वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे BLIS का प्रैक्टिकल टॉपिक, जो कि आपका BLIS 104 प्रैक्टिकल कोलन क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है और जिसमें कि हम एनिमल मेडिसिन के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। और इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके प्रीवियस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था जिसमें कि बेसिक प्रॉब्लम थी। आज हम थोड़े डिफरेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम अलग अलग केसेस को लेकर डिस्कस करेंगे, जैसे कि सुपर इम्पोजिशन डिवाइस को हम कैसे यूज़ करते हैं या फिर सब्जेक्ट डिवाइस अगर आता है हमारे प्रॉब्लम्स में CCL मेडिसिन के केस में तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लीजिए, प्रीवियस क्लास में हमने इसे आपको डिस्कस किया था कि जो LP:E फिर 2P देन :2E एंड 3P, ये पूरा जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एल मेडिसिन का फॉर्मूला है। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, तो जैसे कि आपकी बात करें तो P तो हमारी आपके ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका एल मेडिसिन मेन क्लास है, ठीक है। ई यहाँ पर डिजीज है एंड आपके जो 2P है वो टाइप ऑफ डिजीज है, 2E ट्रीटमेंट है और 3P आपका टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। तो इसमें हम अब जो भी हमारे नेक्स्ट केसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। यस, तो ये सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का केस अगर हमारे एल मेडिसिन के प्रॉब्लम्स में आता है तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, तो या उससे हम कैसे प्रॉब्लम्स बनाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस होती क्या है बेसिकली, तो आज इसके पहले भी हमने लेक्चर लिया डिवाइसेस का, तो उसमें मैंने और भी अच्छे से बताया आपको कि सुपर इम्पोजिशन डिवाइस किस तरह से यूज़ करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि एक्सप्लेन किया है हमने, वेन एन आइसोलेट इज नॉट शेड्यूल्ड इन फेशियट बट कैन बी रिकॉर्ड एज द म्यूचुअल डिनोडेशन ऑफ टू ऑफ द शेड्यूल आइसोलेट इट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। इट मीन्स कि अगर हम बात करें कि सपोज दैट हमारी एल मेडिसिन की मेन क्लास है, ठीक है, उसमें एक ही आइसोलेट के दो फेसिट के बीच में अगर रिलेशन होता है या डेनोडेशन होता है या म्यूचुअल डेनोडेशन होता है तो उस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। और अगर हम आप देख पा रहे हैं इसे बोन्स ऑफ हेड, तो ये बोन ऑफ हेड ये आपके एल मेडिसिन की पी आइसोलेट के ये दोनों ही सेम फेसेट हैं, बोन्स भी और हेड भी दोनों ही एक आइसोलेट के सेम दो फेसेट हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम वहाँ पर सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का यूज़ करते हैं और सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए हम लोग डैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो और इसमें अगर हम इसकी बात करें, ये हम लोग यहाँ पर कि ये एग्जांपल दे रखे हैं बोन्स ऑफ हेड, आर्टिस ऑफ आइस ऑफ द मैन, हेयर ऑफ हेड्स ऑफ फीमेल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि यहाँ पर सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कैसे फॉर्म करेंगे या उनकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व भी करेंगे वन बाय वन। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिंपल प्रॉब्लम है बोन्स ऑफ हेड की। तो बोन्स ऑफ हेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये किस मेन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम और डिस्कस भी एल मेडिसिन ही कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले एल मेडिसिन की मेन क्लास जो कि कोलन क्लासिफिकेशन में 2.3 पेज पे दे रखी है वहाँ पर चलते हैं। बोन्स ऑफ हेड की बात करें ये तो हमारी ऑर्गन्स में आई है यानी कि पी में, ठीक है। ये कितने का था, आईएस कितने की थी, आईएस की 185, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके एक ही सेम फेसेट के एक आइसोलेट के सेम फेसेट है और इसे हम हाइफन से ऐड करेंगे, ठीक है। यही सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में हमें बनाना होता है और कुछ भी नहीं करना। और जिस ऑर्डर में आपको नंबर दे रखा है तो यहाँ पे हमारा 85 यानी कि 185 जो आईएस का नंबर पहले आया है तो हम इसलिए पहले 185 लेंगे, उसके बाद आर्टरीज हमें बाद में मिला है तो हम उसे हम आर्टरीज को बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर फॉर्म करेंगे। बस आपको ऑर्डर याद रखना है कि कब हमें मतलब किस ऑर्डर में नंबर लगाना है, हाइफन से ऐड करना है। जिस ऑर्डर में आपकी बुक में नंबर दे रखा होगा उसी ऑर्डर में आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ये जो प्रॉब्लम में नंबर आया है उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे आर्टरीज का आर्टरीज पहले आया है और आइस बाद में आया है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि आर्टरीज का नंबर पहले लगाएंगे, क्योंकि बुक में आपको आइस का नंबर पहले दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे आइस को पहले ऐड किया और देन हमने आर्टरीज को किया। और सेम पिछले में भी यही किया था कि बोन्स ऑफ हेड जब आया था हमारे पास तो पहले हमने क्या किया था, हेड का नंबर लगाया था क्योंकि हमारे पास हेड पहले आया था और फिर बोन आई थी, तो इसी ऑर्डर में हम लोग जो बुक में नंबर दे रखा है उसी ऑर्डर में नंबर यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं हेयर्स ऑफ फीमेल का, ठीक है, जो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है। 881 आपका हेयर है और हेड का कितना था 18, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें उस पेज पे जाना है, प्रॉब्लम वाले पेज पे, और नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना लिया था, हेड का नंबर कितना था आपका, हेड का 18 था और आपका इसका था 881, ठीक है। और इसमें भी देखिए आप, हेयर पहले आया फिर हेड आया, लेकिन हमें इस ऑर्डर में नहीं लिया है, हमारे बुक में पहले 18 नंबर दे रखा था हेड का जो है, इसलिए हम लोग पहले हेड को लेंगे पहले, देन हम हेयर को लेंगे, ठीक है। यही ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ये बार बार मैं इसलिए याद दिला रही हूँ, आप इसको गलती कर देंगे तो आपका नंबर पूरा गलत बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फीमेल का क्या है L9F, ठीक है। और जब हम लोग स्पेशल या सिस्टम के बाद पर्सनैलिटी आती है तो कॉमा से ऐड करते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एल मेडिसिन, और ये एल चूंकि हमारे फीमेल्स के अंदर आया है इसलिए अलग से हम लोग एल को यूज नहीं करेंगे, और ये एल लाइन है फीमेल का नंबर है, और उसके बाद हमने हेड का नंबर लगाया, और डैश चूंकि हमारे सुपर इम्पोजिशन डिवाइस यूज हो रही है, और हमने इसको 882 हेयर का नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों प्रॉब्लम्स किसकी हैं, ये तीनों प्रॉब्लम्स हमारे सुपर इम्पोजिशन डिवाइस की हैं, और इसका सिंबल है हाइफन। और जब हमारी एक आइसोलेट के, एक ही मेन क्लास के एक आइसोलेट के दो फेसेस के बीच में रिलेशन बनता है तो हम लोग वहां पर सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का यूज करते हैं। हम बात करते हैं सब्जेक्ट डिवाइस की, ठीक है। तो सब्जेक्ट डिवाइस क्या होती है, सब्जेक्ट डिवाइस बेसिकली यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, सब्जेक्ट फॉर एन आइसोलेट, ठीक है, और टू मेन क्लासेस, ठीक है, और गिवन एन ए डिवाइडेड बाय सर्कुलेटेड ब्रैकेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होती है, अगर हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो ये क्या होता है कि आपकी में क्या होता है कि आपकी अगर एक मेन क्लास है मेडिकल लाइब्रेरी, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट वाइज कंसिस्टिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट क्लास सब्जेक्ट फॉर ऑफ एन आइसोलेट और टू मेन क्लास, इसमें क्या होता है कि एक मेन क्लास के साथ अगर हम दूसरी मेन क्लास को ऐड करते हैं तो उस केस में हम सब्जेक्ट वाइज का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिलीजियन लाइब्रेरी, ठीक है, तो इसमें मेन क्लास क्या है, लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी कौन किस टाइप की है, रिलीजियन लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि टू हमारा लाइब्रेरी साइंस का नंबर है, फोर अदर को ऐड करने के लिए है, और क्यू रिलीजन का है, तो ये हमारा जो मतलब नंबर बना है 2 4 Q, ये आपका रिलीजन लाइब्रेरी का है। और जो हम दूसरी मेन क्लास एक मेन क्लास के संग ऐड करते हैं तो दूसरी मेन क्लास को हम सर्कुलर ब्रैकेट में रखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं सभी मेन क्लासेस जो मेन मतलब सेकेंड मेन क्लास आई है उसको हमने सर्कुलर ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर हमारी मेन क्लास के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट की मेन क्लास आती है तो हम उसे जब ऐड करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट डिवाइस यूज होता है, और उसे जब ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। और अदर लगाने के लिए हमें 4 का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है तो 2 लगाया हमने 4 अदर के लिए, और जी एग्रीकल्चर जो कि दूसरी मेन क्लास है उसे हमने सर्कुलर ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। तो ये हम किस तरह सब्जेक्ट डिवाइस को ऐड करते हैं वो यहाँ पे हमने बताया, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें मेडिकल लाइब्रेरी की तो हमने सिंपली क्या है, 2 मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस की, और इसमें थोड़ी सी ये समझने वाली बात है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मेन क्लास क्या है, इसके बाद जो सेकेंड मेन क्लास आती है उसे हम सर्कुलर ब्रैकेट में रखते हैं। हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी होती है, जो मेन क्लास हमारी मतलब प्राइमरी मेन क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी कौन सी, एग्रीकल्चर, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेन क्लास कौन सी है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी मेन क्लास को सर्कुलर ब्रैकेट में ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे सब्जेक्ट को हम सर्कुलर ब्रैकेट में ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं, और ये 2.4 पेज है, यहाँ पर आपको सारी मेन क्लासेस जो है उनके नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री लाइब्रेरी की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे के एक्स हो जाएगा हमारा बस सर्कुलर ब्रैकेट में, और आपका 2 4 रहेगा, ठीक है। इसमें अगर हम एनिमल हस्बेंड्री बता रहे हैं तो 2 4 लगाया और हमने ये के एक्स हमारा ये बन गया एनिमल हस्बेंड्री लाइब्रेरी का नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसी भी लाइब्रेरी की बात करें, हमारा केमिस्ट्री लाइब्रेरी है तो हम ये लगा के मतलब हमारा बस के एक्स की जगह ई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी मेन क्लासेस के साथ में सब्जेक्ट डिवाइस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें हम
जो भी नए नए केसेस हैं उनको लेके चलते हैं कि हम लाइब्रेरी एंड मेडिसिन में अगर हमारे पास सब्जेक्ट डिवाइसेड केसेस आते हैं तो हम उन्हें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये तो आपने बना लिया, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर है मेडिकल लाइब्रेरी, तो ये तो भी मैंने आपको दिखाया कि टू का है और यहाँ पे आपका एल, ठीक है, तो ये मेडिकल लाइब्रेरी का नंबर बन गया। और ये केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ हुक वर्म इन चिल्ड्रन, कि थोड़ा सा आपको लग रहा हो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, बट ये चुटकी में बन जाएगा, आप देखिए। ठीक है, केमिकल है ना, यहाँ पर दूसरी सब्जेक्ट डिवाइस की बात करेंगे, तो ये जो केमिकल आपको नजर आ रहा है ना, केमिकल का नंबर नहीं लेंगे आप, केमिस्ट्री का नंबर लेंगे। और केमिस्ट्री का नंबर लेना है तो आपको यहीं पे जो मैंने आपको 2.4 पेज दिखाया था अगेन आप उसे देखेंगे और वहाँ पर आपको ये केमिस्ट्री का नंबर ई मिल जाएगा। ठीक है, आप कभी भी ये मेरे ख्याल से आपको पूरा जो मेरे क्लासेस है ना इस पर दे रखी वो सारी आपको याद करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री का नंबर यहाँ पे ई दे रखा है। ठीक है, तो ई को हम यहाँ से लेंगे। केमिकल ऐसे जो हमें नहीं लेना है, कभी भी आप कोई प्रॉब्लम बनाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें उसका मतलब सेंस क्या कह रहा है। ठीक है, केमिकल है तो केमिकल के नंबर नहीं, ये केमिकल कहाँ पे आएगा, यानी केमिकल तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री का नंबर हम लगाएंगे। तो ये हमारी दूसरी मेन क्लास है। ठीक है, और हमें हुक वर्म का नंबर लेना है, चिल्ड्रन का नंबर लेना है बस। ठीक है, ट्रीटमेंट का नंबर 6 होता है जो कि हमने अगली क्लास पिछले क्लासेस में कई बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली जो पुरानी मेन क्लासेस है 4372 यहाँ पे है तो हम नोट कर लेते हैं। ये L25:4372, ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, हुक फॉर्म का। और हमें चिल्ड्रन का नंबर देखना है, यस हो गया, यहाँ पे चिल्ड्रन का आपको देख रहे हैं ना, चाइल्ड L9C। ठीक है, तो इसे भी हम नोट कर, इसे भी नोट कर लेते हैं L9C। ठीक है, तो बस हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट नंबर निकाल ही लिया हमने और जो सब्जेक्ट वाइज लगी थी वो भी हमारे पास है। ठीक है, अब हम लोग मेन प्रॉब्लम पेज पे चलते हैं। यस, ठीक है, तो हमें हुक वर्म का नंबर यहाँ पे कितना था, हुक वर्म का था L25:4372। ठीक है, ये आपका L है। ठीक है, और ये फॉर्म का है इन चिल्ड्रन का था L9C, है ना, और आपका केमिकल ई था और 6 ट्रीटमेंट का। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली है पहले हम सिस्टम का नंबर लगाएंगे, सॉरी स्पेशल का नंबर लगाएंगे। और चूंकि स्पेशल आ चुका है और इसमें L ऑलरेडी दे रखा है ना, इसलिए हम दोबारा L जो कि इसमें हुक फॉर्म में दे रखा है वो नहीं लगाएंगे। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये नहीं लगेगा, ठीक है, L नहीं लगेगा दोबारा। ठीक है, और हमें अब क्या करना है, ये हमारा हुक फॉर्म है। ठीक है, हुक फॉर्म क्या है, हमारी बीमारी है। ठीक है, और इसके बाद हमारा किसका लगेगा, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के पहले हम लोग हमेशा कोलन लगाएंगे और ट्रीटमेंट का नंबर 6 है और उसके बाद हम लोग जो हमारी सब्जेक्ट डिवाइस है उसको ऐड कर देंगे लास्ट में। ठीक है, और ये हमारा ये पूरा नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ हुक वॉर्म इन चिल्ड्रन का है। ठीक है, L9C चिल्ड्रन का है और ये पूरा आपका हुक वॉर्म है पर्सनैलिटी में आ रही स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज की, और इसलिए हमें कॉमर्स इसको ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आया है आपका, ठीक है, और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट वाइज ई आया है जो कि केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर आपका बन गया। ठीक है, और हम लोग लिखे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, डिजीज कॉज बाय रेन। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, ठीक है, कि रेन हमें कहीं और आती है, कभी तूफान से होती है जिससे भीग जाते हैं बारिश में, तो उस वजह से हमें कोई बीमारी होती है, तो उस तरह के केसेस में हम ये नंबर बनाएंगे। और ये रेन के लिए हमें कहीं और नहीं जाना, हमें L मेडिसिन में ही मिलेगा, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या करना है, आपको रेन का नंबर देखना है बस, और बाकी आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेन के लिए हम लोग देखते हैं कहाँ मिलेगा। यस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे अदर है ना, तो ये अदर में ही आपको जितने भी मतलब कारण से हम बीमार होते हैं ना, वो सारे फायर हो गया, स्मोक हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया है ना, तो इस केस में हम बीपी होती है ना, तो इस तरह से जो भी ड्रॉट हो गया है, एक्सेस ऑफ रेन हो गया, या तूफान की वजह से या विंड की वजह से, तो वो सारे आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप फ्री हो ना तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पता नहीं कहाँ चला जाता है बार बार, ये ट्रेन का नंबर हमें यहाँ पे 952 दिखाई दे गया,
और बाकी हम बना लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम पे आते हैं अब हम लोग। 952 में फ्रेंड का नंबर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए एक्सेस ऑफ फ्रेंड या रेंज जो भी होगा वो हम 952 खोलेंगे, ठीक है। तो हम अब मेन प्रॉब्लम पेज पे आते हैं, यस, ठीक है। तो डिजीज का नंबर होता है 4, ठीक है। हमें यहाँ पर एल मेडिसिन का हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम, क्योंकि हमारे पास डिजीज क्या है, हमारी एनर्जी है, ठीक है। तो हम उसके पहले कोलन लगाएंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे, और इसके बाद जो भी कॉस्ट है रेंज, मतलब उसके डिजीज के रेंज यानी कि उसको हम यहाँ पर 952, ठीक है, ये हमारा रेंज का नंबर देंगे, ठीक है। तो डिजीज कॉस्ट बाय रेंज, जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे आपको इसी तरह से फॉर्म करने हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसकी, ब्लड सेल्स इन एडोलेसेंट, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है जो कि किसकी है, आपके सुपर इम्पोजिशन डिवाइस की है, थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं डिस्कस की, ठीक है। तो उसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको भी ट्रीटमेंट का यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है। ब्लड का नंबर निकालेंगे, सेल्स का निकालेंगे और एडोलेसेंट का निकालेंगे, ठीक है। तो हम अगेन अपने मेन पेज क्लास पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि एक ही पेज पे है तो आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में। ये जैसे मैंने बताया आपको सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में क्या होता है कि जो एक मेन क्लास होती है, यहाँ पे एक मेन क्लास है एडमेडिसिन, ठीक है, उसके एक आइसोलेट, जो जैसे कि ये पर्सनैलिटी आइसोलेट है ना आपका, ठीक है। एक ही फेस में आपके दो तरह की पर्सनैलिटी, से एक है आपकी सेल और एक है आपके हेड, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे, हेड है और एक सेल है, ठीक है। दो ही दो पर्सनैलिटी, एक मैन आइसोलेट के, ठीक है, और एक मेन क्लास के, जब एक साथ में आते हैं तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का हम यूज करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक मेन क्लास की एक आइसोलेट के दो पर्सनैलिटीज को अगर एक साथ हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हम सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का यूज करते हैं और उसे हम लोग हाइफन से ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रही है सारे जितने भी बोर्ड हैं दे रखे ना, ये आपके आपके आइसोलेट है, ठीक है, और ये आपका एक पूरा आपकी पर्सनैलिटी फेसेट है, ठीक है। तो एक फेसेट के दो आइसोलेट के बीच में जब रिलेशन होता है तो यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस प्रॉब्लम से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हमें क्या दिख गया, 11 पहले आया ना, और यहाँ पर देखिए आपको ब्लड पहले आया है, ठीक है। ब्लड का भी तो नंबर है यहाँ पे, सॉरी ये ब्लड का नंबर है, हेड का नंबर नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हेड सेल इन एडोलेसेंट, तो भी आप क्या करते कि इसी तरह से लेते नंबर, और पहले आपका सेल का नंबर आता और हेड का आता, ठीक है। तो यहाँ पे सेल का नंबर आपका कितना आ रहा है, 11। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर चूंकि हमारे पास ब्लड है ना, हेड नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हेड का नंबर लेना होगा और वो हमारा नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो पहले अगर हमारे पास ये हमने ले लिया है तो हम इसका भी बना लेते हैं एक बार हेड करके, ठीक है, एक बार हेड करके बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, L9B जो कि आपका स्पेशल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, और इसके बाद हमें लेना है सेल का नंबर, ठीक है। सेल का नंबर कितना है, 11, ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी है ना, इसे हमने कोई भी सिंबल से ऐड नहीं करा है। और इसके बाद हमारा आएगा कितना, कौन सा, हेड का नंबर यानी कि 18, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के पहले हमें हमेशा ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट जब भी नंबर लगाएंगे उसके पहले हम पहले बीमार करेंगे, और बीमार करने के लिए हमेशा हम डिजीज 4 को लगाएंगे और उसके बाद हम लोग 6 पे बीमार करेंगे, यानी कि ट्रीटमेंट करेंगे, सॉरी ट्रीटमेंट का नंबर 6 है, 4 से बीमार करेंगे और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो L9D आपका 11 आपका सेल का है, 18 आपका हेड का है, और 4 आपका डिजीज है, देन ट्रीटमेंट है। तो ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ हेड सेल्स इन एडोलेसेंट का नंबर ये बनेगा, ठीक है। हेड की जगह हम लोग क्या करेंगे, हेड की जगह हम लोग इसका आपका 37 है, नहीं सॉरी 35 है, तो हमें बस हेड की जगह हम लोग ब्लड का नंबर 35 दे देंगे, बाकी सारी प्रॉब्लम एज इट इज बन जाएगी। अगेन हम एक बार आपको बंधन बना के दिखाते हैं, इसका ट्रीटमेंट का हमें लिया है कितना, इसे ऐड कर देंगे तो ये हमारा पूरा नंबर बन जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड सेल्स इन एडोसन, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि सुपर इम्पोजिशन के लिए कौन सिंबल यूज होता है और सब्जेक्टिव वाइज के, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन में हम लोग एक मेन क्लास के एक आइसोलेट के दो पर्सनैलिटीज को एक साथ यूज करते हैं और उसका सिंबल हाइफन होता है। और इसी प्रकार से अगर हम सब्जेक्टिव वाइज की बात करें तो उसमें हम लोग
एक मेन क्लास के साथ अगर कोई दूसरी सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट की मेन क्लास आती है तो उसको ऐड करते हैं, और उसको हम ऐड करने के लिए सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो वो हमारी सब्जेक्ट वाइज कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने डिस्कस किया सुपरइम्पोजिशन डिवाइस के बारे में और साथ साथ सेपरेट डिवाइस के केसेस के बारे में जो कि हम एलमेट्स में यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास।